नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एम परिवहन एप्लीकेशन के अंदर अनेबल टू क्रिएट एम पिन वाली प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स करेंगे। तो गाइस, अगर आपके सामने भी अनेबल टू क्रिएट एम पिन वाली प्रॉब्लम आ रही है एम परिवहन एप्लीकेशन के अंदर, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स करेंगे। तो गाइस, अगर आप भी जानना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना और इसे ऑल पर सेट कर देना है। इससे आने वाली हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आपके फ़ोन के अंदर भी एम परिवहन एप्लीकेशन में अनेबल टू क्रिएट एम पिन वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर कैसे आप सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर दो तीन स्टेप्स आपको फॉलो करनी है जिसकी मदद से यहाँ पर आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करना होगा, आपके अपने फ़ोन में जो इंटरनेट कनेक्शन है वो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है। आपको देख लेना है कि आपको प्रॉपरली जो है नेटवर्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सबसे पहले आपको चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद गाइस क्या करना होगा, आपको जो अपने फ़ोन में एप्लीकेशन का अपडेट चेक कर लेना है। गाइस, कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन के अंदर कुछ अपडेट आ जाता है, एम परिवहन में जब भी कुछ अपडेट आ जाता है प्ले स्टोर के अंदर, तब हम एप्लीकेशन को अपडेट हमें जो है करना होता है। लेकिन हम गाइस एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करते, जिसकी वजह से भी एप्लीकेशन कभी ओपन नहीं होती है, कभी एम पिन क्रिएट नहीं होते, कभी लॉकिंग नहीं होती, बहुत सारी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आ जाती है। तो गाइस, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन का अपडेट चेक कर लेना है। तो गाइज़ देख सकते हो, मैंने यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन एम परिवहन एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर लिया। अब गाइज़ यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपके फ़ोन में अपडेट आया होगा इस एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पर ओपन की जगह अपडेट लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल मेरा यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन एम परिवहन के अंदर कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ। अगर अपडेट आया होगा तो यहाँ पर ओपन की जगह अपडेट लिखा होगा, और यहाँ पर क्लिक करके आप जो है उसे अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम रहेगी वो सॉल्व हो जाएगी। अगर अपडेट करने के बाद भी आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो गाइज़ आपको क्या करना होगा, आपको जाना है अपने फोन की सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आने के बाद यहां पर नीचे की साइड में एक ऑप्शन मिलेगा, यहां पर ऐप्स वाला। तो यहां पर देख सकते हो गाइस, ऐप्स वाला इस तरह से ऑप्शन होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज ऐप्स, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे मैनेज ऐप्स के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन रहेगी आपके फ़ोन में, वो सभी यहाँ पर आपके सामने शो करेगी। तो अब गाइस यहाँ पर क्या करना होगा, इस लिस्ट के अंदर से एम परिवहन जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है। अगर यहाँ पर आपको नहीं मिलती है सबसे लास्ट में, तो ऊपर की साइड में आप जो है सर्च भी यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट जनरेशन NXT लिखोगे, उसके बाद यहाँ पर गाइस आप जो है परिवहन लिखोगे तो भी यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएगी। तो चलिए, यहाँ पर हमने नेक्स्ट लिखा और नेक्स्ट जनरेशन एम परिवहन यहाँ पर जो एप्लीकेशन आ चुकी है। तो चलिए गाइस, अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन का इन्फो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। तो अब गाइस यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले नीचे के साइड में जो क्लियर डेटा वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको जो इसका डेटा आपको क्लियर कर लेना है। यहाँ पर जो क्लियर डेटा वाला ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर गाइस जो है क्लियर डेटा के ऊपर क्लिक करके आपको जो अपना डेटा यहाँ से क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर अपना अपना जो डेटा है उसे हम जो है क्लियर कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, देख सकते हो यहाँ पर जो है एक फोर्स स्टॉप का ऑप्शन होगा। तो पहले डेटा क्लियर करने से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फोर्स स्टॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर इसका फोर्स स्टॉप यहाँ पर जो है ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर इसका जो डेटा है वो हम क्लियर करेंगे। तो डेटा क्लियर करने के लिए क्लियर डेटा के ऊपर हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद सबसे पहले क्लियर कैच करेंगे, और उसके बाद यहाँ से फिर से एक बार क्लियर ऑल डेटा पर हम क्लिक करके यहाँ से डिलीट ऑल डेटा के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे ओके पे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर हम नेक्स्ट जनरेशन एम परिवहन एप्लीकेशन का जितना भी डेटा रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से यहाँ पर आप ट्राई करोगे अपना जो एम पिन है वो जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। तो जो आपकी एम यहाँ पर जो अनेबल टू क्रिएट एम पिन वाली प्रॉब्लम आ रही होगी वो सॉल्व हो जाएगी, और यहाँ पर आप जो अपना एम पिन क्रिएट कर पाएंगे। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।